अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे ठीक ठाक है? माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैर अलवी। अच्छा जी, आज कराची यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है, तो उसके कुछ पॉइंट्स पर हाईलाइट कर देता हूँ आपको, क्योंकि पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा थे तो सब नहीं पढ़ते हैं, तो वीडियो के लोग फिर भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये पॉइंट कुछ हैं, मैं मैंशन किए हैं, मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ। जितनी भी क्लासेस हैं वो सब ऑनलाइन हैं होंगी फिलहाल, टिल द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जो सेमेस्टर चल रहा है इसके एंड तक जितनी भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही रहेंगी, फेस टू फेस क्लास कोई भी नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, जो सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो एज पर शेड्यूल होंगे, जो शेड्यूल कराची यूनिवर्सिटी के आया हुआ है उसी के फॉलो करते हुए सारे एग्जाम्स होंगे। लेकिन जो मोड ऑफ एग्जाम है, जे के फेस टू फेस एग्जाम होने या फिर ऑनलाइन एग्जाम होने, इसका पता चलेगा 15 जून की मीटिंग के बाद, ठीक है जी? और बाकी कराची यूनिवर्सिटी की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, इंक्लूड डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी, ये सब क्लोज होंगी। मतलब इस सेमेस्टर के एंड तक सारी लाइब्रेरीज क्लोज होंगी, और लिमिटेड स्टाफ को यूनिवर्सिटी ऑफिस वर्क के लिए यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। अब ये डिसाइड करेंगे वहाँ के जो डिपार्टमेंट के हेड है, वो डिसाइड करेंगे कितने स्टाफ को कि आज रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ की कब रिक्वायरमेंट है, वो एक क्या कहते हैं अपना स्कैटर्ड कर देंगे स्टाफ को, ठीक है? और ऑफिस टाइमिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफिस टाइमिंग डिवाइड कर दी मॉर्निंग और इवनिंग की। मॉर्निंग की ऑफिस टाइमिंग है 9 to 3:30, मतलब सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक मॉर्निंग के स्टाफ होगा मॉर्निंग का, और इवनिंग का स्टाफ होगा 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। मीन के सुबह 9 से लेकर 3:30 तक मॉर्निंग के क्यूरीज को देखा जाएगा, और 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक इवनिंग की क्यूरीज को देखा जाएगा। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप क्यूरीज ये इस टाइमिंग को जाके आप पूछ सकते हैं, वो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे क्लोज होगा, संडे तो वैसे ही क्लोज होता था, मंडे टू फ्राइडे होंगे ये सारे, ठीक है? बाकी उन्होंने बताया कि जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं, गार्ड्स हो गए, गार्डनर हो गए, प्योन हो गए, ये अपनी ड्यूटीज जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, इनका कोई भी ऑफ नहीं है, ठीक है? और कुछ पॉइंट्स मैं आगे पढ़ लेता हूँ जी। अच्छा जी, टीचिंग के डिपार्टमेंट, मतलब टीचिंग डिपार्टमेंट जो है वो मंडे टू थर्सडे बुलाया जा सकता है, उनको HOD कॉल कर सकते हैं किसी भी टीचर को कि आज आपकी रिक्वायरमेंट है आप यूनिवर्सिटी आ जाए, आज आपकी नीड है आप यूनिवर्सिटी आ जाए, लेकिन मंडे टू थर्सडे कर सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे टीचर HOD को नहीं बुला सकते, कॉल नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है ये मंडे से लेकर थर्सडे तक ओपन होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है किस टाइम में ओपन होगा, ये टाइम मैंने आपको पीछे बता दिया, मॉर्निंग का टाइम है सुबह 9 से 3:30 और इवनिंग का टाइम है 3:30 से लेकर 6 बजे तक, ठीक है? ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है। और बाकी कैंटीन शेड्यूल सर्विस और कराची यूनिवर्सिटी के जो पॉइंट्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे टिल द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। और स्टाफ क्लब एंड एक्टिविटीज, जितनी भी क्लब्स हैं एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे, वो सब सस्पेंडेड है टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। आई होप कि मैं कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, यही फिलहाल है। बाकी कल 18 मई है, NCUC की अगेन मीटिंग है, तो उसमें कुछ बातें और डिसाइड होंगी, लेकिन वो कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट से नहीं होंगी, हवाले से नहीं होंगी, वो 9 मई फर्स्ट सेकेंडर को के हवाले से होंगी, ठीक है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।